नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Lite वर्सेस Poco X4 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 10 Lite में 6.52 इंच जबकि X4 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 10 Lite से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 10 Lite में 3.02 इंच जबकि X4 Pro 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 10 Lite से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 10 Lite में 0.35 इंच जबकि X4 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10 Lite में 209 ग्राम जबकि X4 Pro 5G में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 10 Lite में IPS LCD जबकि X4 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10 Lite में 84.62% जबकि X4 Pro 5G में 86.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10 Lite में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और X4 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 10 Lite में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X4 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 10 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और X4 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 10 Lite में Adreno 618 जबकि X4 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 720G और X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 10 Lite में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 10 Lite में अप टू 512GB जबकि X4 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Note 10 Lite में 5020mAh जबकि X4 Pro 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 10 Lite में 4 कलर्स जबकि X4 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 10 Lite में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X4 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 Lite में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco X4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X4 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में X4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X4 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है, दूसरा Xiaomi Poco X3 है, तीसरा Xiaomi Poco M2 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।